प्रदेश के गोरखपुर कुशीनगर के रहने वाले प्रीति शर्मा ने कई टाइटल जीतने के बाद महज 25 साल की उम्र में इंटरनेशनल सुपर मॉडल का खिताब जीतकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया। अब प्रीति शर्मा लगातार समाज में कई सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। इसी बीच सर्दियों के दिन आते ही मॉडल और एक्टर प्रीति शर्मा ने राजधानी दिल्ली के एक वृद्धा आश्रम में कंबल वितरण का समाज को एक बड़ा संदेश दिया। आपको बता दें कि जब मॉडल और एक्टर प्रीति शर्मा को जैसे ही पता चला कि राजधानी दिल्ली में अभिनव समाज संस्था ने वरिष्ठ बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धा आश्रम खोल रखा है, तभी मॉडल और एक्टर प्रीति शर्मा वरिष्ठ बेसहारा बुजुर्गों से वृद्धा आश्रम उनसे हालचाल जानने पहुंची। वहीं मॉडल और एक्टर प्रीति शर्मा ने उनसे हालचाल पूछा और उनको सर्दी से बचने के लिए छोटा सा सहयोग यानी कम्बल वितरण किया। हुआ कि सरकार इनको किसी भी प्रकार से मदद नहीं की। काफी सालों से ये अभिनव समाज चल रहा है, यहाँ संस्था जो वृद्धाश्रम को चला रहे हैं और बुजुर्ग लोगों की सेवा भी करते हैं, वो भी निस्वार्थ करते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने गवर्नमेंट से कई बार इन्होंने फाइल सबमिट की, वहाँ से बातचीत की। यहाँ पे रिया जी हैं जो कई बार यहाँ की कार्यकर्ता हैं, वो भी अभी पिछले महीने भी मैं आई और उनको जब ये जाते हैं तो उनको सामने से जो भी रिजल्ट मिलती है पॉजिटिव मिलती है, लेकिन बाद में उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि फाइल गई कहाँ और उसका हुआ क्या। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हमारी बस यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को जरूर देखना चाहिए जो निस्वार्थ किसी की मदद कर रहे हैं और अनाथ लोगों को अपनी जगह पे आश्रम दे रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ऐसे लोगों से कि आप बहुत ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आपसे मिलके अच्छा लगा और आपके ये जो भी कार्य है ये मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगी और इनकी कहानी सुन के भी दुख भरी लगी। और इनको आप निस्वार्थ जो मदद करते हैं ये आप एक तरफ से बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं और आपसे मिलके अच्छा लगा। मैडम आपका आप इतनी दूर चल के आई हमारे ओल्ड एज होम में, तो हम लोग आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारे आश्रम में आती रहें।